औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एक्स माइनस एक्स मोड एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने एक्स इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन की जो वैल्यू है वो मालूम करेंगे। यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ़ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम 1 वैल्यू पुट करें इसमें, फंक्शन की वैल्यू, तो 1 माइनस, और आपको पता है कि मोड में जो भी वैल्यू वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन की वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखें, जब ये लेफ़्ट साइड से एक्स को अप्रोच करेगा, यानी फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर 1 है तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो 0.999, यानी एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और 1 के करीब होगा। तो लिहाजा ये वही वैल्यू जो है वो एक्स दे देगा इसको, ठीक है। तो हम जब इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तब जब हम इसमें अपना वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी 0.999। और जब ये वही वैल्यू हमें देगा 1, ठीक है, यानी एक्स हमें वापस दे देगा, तो दोबारा हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अब जब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे 1 को, यानी बहुत ही नज़दीक की जो वैल्यू होगी वो हम अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड हमारे पास है एक्स मोड एक्स माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर भी यही है कि जब ये राइट साइड से अप्रोच करेगा तो 1 की बहुत जो करीब बनी 1.000001, तो नियरली वो 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो लिहाजा हम जब दोबारा इसमें, हमारे पास ये हमें वापस एक्स दे देगा एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे, यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 0 आई, और हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी 0 आई। तो लिहाजा फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 टू एफ ऑफ एक्स। तो लिहाजा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो है फंक्शन का, यानी आपके पास जब मोड में एक्स आ जाए तो आप जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो एक्स ही आएगा, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है चाहे वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दो हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है कि एक्स होगा अगर एक्स इरेशनल है और 1 माइनस एक्स होगा अगर एक्स जो है वो रैशनल है। फंक्शन की वैल्यू आपको 1/2 दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एफ ऑफ 1/2, अब आपको पता है कि 1/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो इसके लिए हम जो वैल्यू लगाएंगे वो 1 माइनस एक्स लगाएंगे, 1 माइनस एक्स। और जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एक्स की 1/2, तो 1 में से हाफ निकालेंगे तो आपके पास 1/2 ही बचेगा, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो देखिए, जब इसमें हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, तो जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो देखिए कोई भी जो रैशनल नंबर होता है उसके ज़्यादा अगर आप लेफ़्ट साइड से करीब आएंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। यानी कोई से भी दो रैशनल नंबर हों उनके दरमियान इरेशनल नंबर लाजमी होता है। तो जाहिर बात है जब ये एक्स अप्रोच करेगा रैशनल नंबर की तरफ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और बिल्कुल क्लोज जब होगा उसके, तो डेफिनेटली उस रैशनल नंबर से पहले जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो लिहाजा अब जब हम इस वैल्यूज़ को देखते हैं तो हम कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फंक्शन की एक्स पुट करेंगे, ठीक है, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी एक्स पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। सेम बिल्कुल आपने लिखना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2
फ्रॉम द राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी वही आपने लिखना है कि व्हेन वी अप्रोच वन ओवर टू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड देयर मस्ट बी ए इरेशनल नंबर। तो लिहाजा उस आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेनी है। तो जब हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो भी वही एक्स होगी, क्योंकि जब राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तब भी तो इरेशनल नंबर ही होगा, और लेफ्ट साइड से रेशनल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो क्लोजेस्ट जो होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो लिहाजा जब एक्स अप्रोच करेगा वन ओवर टू को फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो हमारे पास कोई ना कोई इरेशनल नंबर होगा, तो इरेशनल के लिए हमारे पास वही वैल्यू आएगी एक्स। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन ओवर टू, ठीक है। तो लिहाजा फंक्शन की जो वैल्यू है वन ओवर टू और जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी एक्स अप्रोचेज टू वन ओवर टू एफ ऑफ एक्स। तो लिहाजा फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। स्टूडेंट्स न्यू आने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोज़ उनको वक्त पर मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।